जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज नागपुर में श्री मनोज चांडक जी के नए फ्लैट का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूं। यह फ्लैट नागपुर में शिवाजी नगर के पास स्थित है। यह पूरी मल्टी अभी एक साल पूर्व ही नवनिर्मित की गई है। सर ने जब यह फ्लैट बनाया था तो मुझसे पूर्व तीन वास्तु एक्सपर्ट से वास्तु करवा चुके हैं, लेकिन वास्तु का सर को ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग सर को तीन वास्तुविदों से जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे वह नहीं हुए। इसमें इससे पूर्व जमीन की फ्लैट की एनर्जी को भी पूरा चार्ज किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वार्ट्स जमीन के अंदर लगाए गए हैं और विभिन्न प्रकार की एनर्जी को पुटअप किया गया है, लेकिन उसके बाद भी परिणाम शून्य है। आज मैं उसका मुख्य कारण बताता हूँ कि इस फ्लैट को मेन गेट देखते हैं तो एक्चुअल ये वेस्ट फेसिंग है, लेकिन वेस्ट 40 डिग्री टिल्ट होने के कारण सर का जो मेन गेट नॉर्थ वेस्ट में बन गया। जब कोई भी फ्लैट का मेन गेट नॉर्थ वेस्ट में हो जाता है तो निश्चित रूप से अकारण चोरी शत्रुता उसका पैदा होना चालू हो जाता है। इसके साथ साथ आज इस पर दिखाता हूँ कि मेन गेट पर आजकल हर घर में हर फ्लैट में जो प्लास्टिक की दो पंगुलियों के बीच में दिखाइए एक स्वास्तिक बना होता है, यह स्वास्तिक प्लास्टिक की पैरों की अंगुल में स्वास्तिक नेगेटिव एनर्जी देता है। कभी भी यह स्वास्तिक एंटर करते समय जमीन में पैरों में नहीं आना चाहिए, इससे माइनस नेगेटिव एनर्जी आना चालू हो जाती है। इसके साथ साथ आज यहाँ पर एक दहलीज स्थापना का पूरा चांदी का तार डाल के पूरी दहलीज स्थापना का पूरा बताया है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेन गेट के सरफेस से ही बाहर चली जाए। इसके साथ साथ इस फ्लैट में जब अंदर आते हैं और पूरा फ्लैट का निरीक्षण करता हूँ तो देखते हैं कि फ्लैट के एग्जैक्ट सेंटर ब्रह्म स्थान में भी विभिन्न प्रकार के क्वार्ट्स डाले गए हैं। इसके साथ साथ एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में जो कि फ्लैट का एग्जैक्ट साउथ ईस्ट आ रहा है, इसमें ट्रायंगल शेप में पिरामिड लगाए गए हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के क्वार्ट्स लगाए गए हैं। उसके बाद भी जब एनर्जी को चेक कर रहा हूँ तो एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल है, जबकि इतना सब कुछ होने के बाद एनर्जी ऐसी पॉजिटिव होनी चाहिए कि इसमें बैठकर अवचेतन मन बहुत पॉजिटिव हो जाए। इसके साथ साथ जब इसमें पूरा इसका नक्शा देखता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि इसका एग्जैक्ट फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। जब किसी भी फ्लैट का एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कट हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें ट्रांसपेरेंसी क्लियरिटी खत्म होना चालू हो जाती है। जब ये ले रहे थे एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में, इसमें टॉयलेट भी बना हुआ है, तब इनको जब जिस वास्तुविद से कंसल्ट किया उसने इसको मार्क न करते हुए मात्र यहाँ पर एक स्ट्रिप डाल दी कि इस स्ट्रिप को डालने से आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ साथ जब इसको देखता हूँ इसकी रसोई को तो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में यह पूरी रसोई बनी हुई है। जब किसी भी घर में एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में रसोई बन जाती है, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपके लाइफ में जितना भी मनी है वह आपका ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉपर इसमें आपके बर्तन धोने का और पूरा वॉशिंग मशीन बनाया हुआ है। इसमें वर्चुअल एंट्री भी खोली गई है कि N4 में वर्चुअल एंट्री खोल दी, लेकिन जब वर्चुअल एंट्री जब खोली तो इसको पूरा पैक कर दिया गया। जब एनर्जी ही क्रॉस नहीं होगी तो ये वर्चुअल एंट्री कोई काम की नहीं रहेगी। इसके साथ साथ इसमें और कमियां देखता हूं तो आपको सबसे बड़ी कमी ये दिखाता हूं कि मास्टर बेडरूम के एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ वेस्ट जोन में पूरा इसमें मेटल के स्ट्रिप डाल के इसको यू शेप में भी कट किया गया है, लेकिन इसके बाद भी परिणाम शून्य है। आज उसका कारण देखता हूँ तो देखिए एग्जैक्ट साउथ वेस्ट जो कि सबसे हैवी होना चाहिए था, पूरा साउथ वेस्ट ओपन पड़ा हुआ है, साउथ वेस्ट पूरा खाली है। इसके साथ साथ इसमें पूरे फ्लैट में सब जगह कट करके पूरे क्वार्ट्स एंगल्स सब डाले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी परिणाम शून्य है। उसका कारण यह ज्ञात होता है कि इसमें जो इस पर ट्रीटमेंट किया जाना था उस पर वैदिक ट्रीटमेंट ना करते हुए मात्र इस चीज़ पर ट्रीटमेंट किया गया है कि ओनली क्वार्ट्स डाल दीजिए। ओनली क्वार्ट्स डालने से या एक आध चीज डालने से कोई एनर्जी पुटअप नहीं होती है, इसके लिए वैदिक वास्तु का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। आज पूरी कुंडली का अवलोकन किया गया है, कुंडली से जो भी उपाय हो सकते थे वो बताए गए हैं, तो निश्चित रूप से आज इतने सारे जो सब छोटे छोटे उपाय बताए हैं 100% बहुत कम समय में सकारात्मक परिणाम सर को देखने को मिलेंगे। कृपया सर आप सभी का मार्गदर्शन कीजिए कि जो भी मैंने आपको उपाय बताए इनसे आपको क्या समय में आया। भैया से मैं काफ़ी समय से मैंने भैया के लिए प्रयासरत था कि भैया कि मेरे फ्लैट का वास्तु निरीक्षण करे,
चूंकि मुझे मैं 3 वास्तुविदों से निरीक्षण करा चुका था, उसके उपरांत भी मुझे कोई फ़ायदा होता दिखा नहीं है, तो मैंने फिर भैया के पीछे लग के भैया को बुलाया और आज वास्तु निरीक्षण कराया। तो मुझसे भैया ने वास्तु निरीक्षण करके जो बहुत बारीकी से कमियाँ ढूंढ के मुझे बताई है, उसमें मुझे भी महसूस हुआ है कि एक्चुअल में हमारे फ्लैट में, और भैया ने जो अपनी एनर्जी को चेक किया, वो एनर्जी हमारे यहाँ फ्लैट में दिख ही नहीं रही है कुछ भी। उसी हिसाब से हमने भैया ने जो आज वास्तु के हमारे जो उपाय बताए हैं, हम निश्चित रूप से पिछले अगले 2-4 दिन में ही वो पूरे उपाय करके और हमारे को ज़िंदगी में जो फ़ायदे होने चाहिए भैया के मार्गदर्शन में, हम वो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि भैया से, चूँकि वास्तु निरीक्षण में भैया का मैंने बहुत सही तरीके से भैया ने कुंडली का भी देखा और मेरी जो ज़िंदगी में बाकी परेशानियाँ भी हैं उनके लिए भी मुझे भैया ने आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से इनका निराकरण हो जाएगा। मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भैया ने आज समय निकाल के हमें मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट जब हम किसी भी फ्लैट में, घर में, फैक्ट्री में, व्यापार में करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको खुद शुद्ध सात्विक होना पड़ेगा, आपकी बॉडी को पूरा चार्ज करना पड़ेगा, आप किसी भी प्रकार से किसी नेगेटिव एनर्जी में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे महिलाएं पापड़ बनाती हैं, तो अगर मैं महिला नेगेटिव एनर्जी से रहित होती है तो उनका जो पापड़ या जो अचार होता है वह कम समय में ही खराब हो जाता है। इसी प्रकार अगर जो व्यक्ति जिसके आप काम करा रहे हैं या जो एनर्जी फिल करा रहे हैं, उसका एक ऑरा, उसकी एक पावर, एक उसका खुद का व्यक्तित्व, उसकी जो ऊर्जा में जो जमीन में पुटअप करता है, तो वह निश्चित रूप से पूरा 100% आपको रिजल्ट देता है। और आज मैंने जो भी यहाँ उपाय बताए हैं, 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आज इसमें पूरे घर को प्रोटेक्ट करने का भी उपाय बताया है, निश्चित रूप से कम समय में ही 10 से 15 दिन में सर को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सर ने जिस विश्वास से नागपुर वास्तु विजिट करवाया है, उसके लिए सर का दिल से धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।